गाइज होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इन्फॉर्मेशन को अच्छे से देख लिया होगा और आज जो आपसे टॉपिक्स पूछे आने वाले हैं उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर भी कर लिया होगा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। आ चुका है आपके सामने पहला क्वेश्चन, नेहरू लियाकत एग्रीमेंट की बात हो रही है। काफी इजी क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए यहां पर रखा है नेहरू लियाकत एग्रीमेंट से रिलेटेड, क्योंकि इस एग्रीमेंट को पढ़ने के लिए मैंने आपसे कहा था, राइट। तो देखिए फटाफट बताइए इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये एग्रीमेंट किनके बीच हुआ था, हमारे ऑनरेबल इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बीच में और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में। गलत जवाब, लियाकत एग्रीमेंट है ये, नेहरू लियाकत, तो हमारे ऑनरेबल इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में और पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर था उस समय, ये हम लोग को लियाकत अली खान देखने को मिला था, तो इसीलिए यह पहला स्टेटमेंट जो होगा वो गलत हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो यह एग्रीमेंट जो है वो माइनॉरिटी के ट्रीटमेंट से रिलेटेड ही था। यहां पर दोनों कंट्रीज के बीच में आपको पता होगा इसकी, जब हम लोग को विभाजन देखने को मिला था तो उसके बाद बड़े इश्यूज आए थे, राइट। दोनों कंट्रीज में माइनॉरिटीज के खिलाफ जो है वो चीजें हो रही थी, दंगे वगैरह हम लोग को देखने को मिल रहे थे। तो यह एग्रीमेंट कहता है कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट जो है वो किया जाए दोनों कंट्रीज के अंदर, तो ये एग्रीमेंट इससे रिलेटेड था, माइनॉरिटी के ट्रीटमेंट से रिलेटेड, माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन से रिलेटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो टू ओनली इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये काफी इजी चीज मैंने आपसे पूछी थी, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा नेहरू लियाकत एग्रीमेंट के बारे में तो इसका आंसर आपको मिल ही चुका होगा। दूसरा क्वेश्चन, रिवोल्ट ऑफ 1857, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिविल सर्विसेज में अक्सर पूछा जाता है, ना ही सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फटाक से बताइए रिवोल्ट ऑफ 1857 के क्या क्या कारण है, इन चारों में से कौन से कारण हम लोग को रिवोल्ट ऑफ 1857 के देखने को मिले थे। तो एनफील्ड राइफल सबसे बड़ा कारण है, मंगल पांडे आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, तो एनफील्ड राइफल ये मेन इंपॉर्टेंट चीज थी। इस राइफल में कहा गया था कि सुअर की और गाय की चर्बी मिलाई गई थी, राइट। तो ये वाली चीज बड़ी दिक्कत इसमें हम लोग को देखने को मिली थी, तो ये विद्रोह का कारण, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। इसके अलावा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव या फिर जातिवाद भेदभाव हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलता था उस समय, तो ये भी एक बड़ा कारण था। तीसरे की बात करें, ब्रिटिशर्स ने काफी सारी अनफेयर पॉलिसीज जो है वो इंट्रोड्यूस करी थी, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो इस प्रकार की काफी सारी अनफेयर पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, राइट। इसके अलावा वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, ये तो बहुत बाद में आया था, राइट। तो ये तो इसके टाइमलाइन का है ही नहीं, तो अगर आप थोड़ा सा अगर आपको टाइमलाइन भी बताया होगा तो आपको इसका आंसर जो है वो मिल चुका होगा, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1, 2, 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, राइट। अब आगे की तरफ बढ़े हम लोग, तो देखिए यहां पर आपको करेक्ट पेयर बताना है। 1857 का रिवोल्ट मैंने आप लोग से पढ़ने के लिए कहा था और उसमें आप लोग को बताया कि ये रिवोल्ट एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं होता, अलग अलग जगह पर ये रिवोल्ट हम लोग को देखने को मिले थे, राइट। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग लीडर्स लीड कर रहे थे, तो आप लोग को बताना है एक तरफ लीडर्स के नाम है, एक तरफ लोकेशन के नाम है। तो कौन से लीडर थे, बहादुर शाह द्वितीय ये हम जानते हैं दिल्ली के अंदर थे, रानी लक्ष्मीबाई सभी को पता है झांसी की, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तीसरे की बात करें, सुरेंद्र शाही तो ये ओडिशा के थे ना कि बिहार के, कुंवर सिंह की बात करें तो ये बिहार के थे ना कि राजस्थान के, और हरदयाल सिंह जी जो थे वो ओडिशा के नहीं थे, वो राजस्थान के थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो 1 और 2 हम लोग को इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है, राइट। अब आपको जो है वो ये तीन इवेंट्स यहां पर हैं, तो आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि पहले कौन सा हुआ था फिर बाद में कौन सा हुआ है। पाइका रेबिलियन पिछले मंडे को मैंने आपको टॉपिक दिया था पढ़ने के लिए, आपने काफी सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा ये वाला टॉपिक, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते आ रहे हैं तो, और डेली ये टेस्ट दे रहे हैं, तो पाइका रेबिलियन आप लोग का हो चुका होगा कंप्लीट ये वाला टॉपिक। तो बताइए पाइका रेबिलियन, वेल्लोर म्यूटिनी और सिपॉय म्यूटिनी। तो वेल्लोर म्यूटिनी 1806 में सबसे पहले हुआ था, और कहा जाता है कि 1857 का जो ये विद्रोह है, 1857 का जो रिवोल्ट है, उसको इसी समय से फोरकास्ट कर लिया गया था कि कुछ बड़ी घटना जो है वो घटने वाली है। तो वेल्लोर म्यूटिनी काफी खतरनाक था ये, और ये साउथ एरिया में हम लोग को देखने को मिला था, वेल्लोर में बेसिकली देखने को मिला था। बड़ी यहां पर मतलब इसका जो रिजल्ट जो हुआ था वो काफी खतरनाक हुआ था, और कहा यह भी जाता है कि वेल्लोर विद्रोह के कारण ही हम लोग को सदर्न इंडिया का पार्टिसिपेशन 1857 के रिवोल्ट में नहीं देखने को मिलता है। वजह क्या थी, वेल्लोर विद्रोह जब हुआ था तो उसके बाद करीब 300 से ज्यादा इंडियंस को मार दिया गया था, सीधे गोली से उड़ा दिया गया था, इवन गोले के सामने रखकर उनको उड़ा दिया गया था। गोली से तो शूट करना, हेडशॉट करना तो एक अलग बात थी, गोला जो होता है ना तोप गोला, उसके सामने भी रखकर उड़ा दिया गया था। तो बहुत ही ब्रूटल जो है वो उसका इंसिडेंट हम लोग को देखने को मिला था, तो ये 1806 में हम लोग को देखने को मिला था। इसके अलावा सिपॉय म्यूटिनी की बात करें तो सिपॉय म्यूटिनी जो है गाइस, इसको
1857 का रिवोल्ट कहा जाता है, तो सिपाही म्यूटिनी ही 1857 का रिवोल्ट है, और पाइकर रेबेलियन आपने पढ़ा 1817 का ही हम लोग को देखने को मिलता है। तो जो करेक्ट ऑर्डर हो गया वो 132 इज द करेक्ट ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट। तो करेक्ट आंसर है 132। अब ये अगर आपने नहीं पढ़ा है वेल्लोर म्यूटिनी और पाइकर रेबेलियन तो जाकर पढ़ लेना, और रिवोल्ट ऑफ 1857 हालांकि आपने पढ़ा ही होगा क्योंकि पढ़ने के बाद ही फिर आप ये वाला टेस्ट दे रहे हो, वेल्लोर म्यूटिनी अच्छे से पढ़ लेना एक बार बस। अब दारा शिकोह का टॉपिक मैंने आप लोग को दिया था, बताइए दारा शिकोह जो है वो इन चारों ऑप्शन में से किससे रिलेटेड है, यानी कि ये चारों चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, तो दारा शिकोह की जिंदगी में उसकी लाइफ में ये चारों चीजें थी कि नहीं थी, बस ये इस प्रकार की चीज इस क्वेश्चन ने पूछी है आपसे। तो देखो गाइस, शहजादा ए बुलंद इकबाल ये टाइटल दिया गया था दारा शिकोह को। दूसरी बात, सामगढ़ की लड़ाई ये आप जानते ही हो उसके बारे में कि ये था, ऑब्वियस ही बात है दारा शिकोह उसमें इन्वॉल्व था, औरंगजेब दारा शिकोह आपको पता होगा, राइट। तीसरे की बात करें, भगवत गीता को इसने ट्रांसलेट किया था दारा शिकोह ने, बट संस्कृत से इसने अरेबिक में ट्रांसलेट नहीं किया था, इसने संस्कृत से पर्शियन में जो है वो, या फिर फारसी में जो है वो ट्रांसलेट किया था, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रखो, अरबी में इसने ट्रांसलेट नहीं किया था, पर्शियन में, फारसी में इसने ट्रांसलेट किया था। मानुची की यात्रा की बात करें या ट्रैवल ऑफ मनुकी इसको कहा जाता है, तो ये बेसिकली निकोला मनुकी आपको बता होगा एक ट्रैवलर था इटली का, तो उसने जो अपनी बुक लिखी थी ये इसकी बुक का नाम है ट्रैवल ऑफ मनुकी, और ट्रैवलॉग था बेसिकली ये उसका, और मतलब इसमें उसने मनुकी ने जिक्र किया था दारा शिकोह का, तो ये दारा शिकोह इसकी बुक से भी रिलेट करता है, तो ये एक चीज थी जो कि आपको ये दारा शिकोह की लाइफ से रिलेटेड थोड़ी सी पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं गाइस पर्सनालिटी के बारे में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट, प्रीलिम्स में तो आती जाते हैं, इवन मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो 124 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। ये आपके लिए सॉल्यूशन भी रखा हुआ है। अब अगेन करेक्ट पेयर आपको बताना है, एक तरफ आप लोग को रिवोल्ट देखने को मिल रहा है, पीजेंट रिवोल्ट से मैंने आपको बोला था ना, पीजेंट रिवोल्ट आप लोग को पढ़ना है, तो ये पीजेंट मूवमेंट जो है, पीजेंट रिवोल्ट जो है वो एक तरफ लिखे हुए हैं, और ये एक तरफ टेरिटरी लोकेशन के नाम लिखे हुए हैं कि कहां पर ये विद्रोह हुए थे। तो मालबार रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट, बरदौली रिवोल्ट, काफी फेमस ये रिवोल्ट के नाम है। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये चारों ही जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। पबना जो है वो एक जगह हम लोग को देखने को मिलती है, ये बेसिकली आज की डेट में बांग्लादेश में, तो इसलिए मैंने यहां पर बांग्लादेश का जिक्र किया हुआ है, वो उस समय बंगाल टेरिटरी में हम लोग को देखने को मिलती थी। मालबार की बात करें तो ये मद्रास के अंदर, राइट। इसके अलावा इंडिगो की बात करें ये बंगाल के अंदर, और बरदौली रिवोल्ट की बात करें तो बरदौली फेमस है काफी ज्यादा, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि गुजरात, बंगाल और गुजरात, ये वाली चीज तो आपको दोनों को पता ही होगी, क्योंकि ये तो काफी जो है वो बेसिक है, इंडिगो रिवोल्ट और बरदौली रिवोल्ट, और बाकी ऊपर की चीज थोड़ी सी अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मिल ही चुका होगा, राइट आंसर। और अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ना शुरू करो इस अकॉर्डिंग। अब आपके सामने अगेन एक और करेक्ट पेयर वाले क्वेश्चन जो है वो मैंने पूछा है आपसे, क्योंकि जो मैंने आपको टॉपिक्स दिए थे वो डिमांड कर ही रहे थे करेक्ट पेयर वाले क्वेश्चन की, वो उसमें स्टेटमेंट वाइज भी पूछा जा सकता है, बट क्या होता है कि आजकल सिविल सर्विस में इस प्रकार के करेक्ट पेयर के जो है वो काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उससे क्या रहता है कि सामने वाले ने कितनी गहरी पढ़ाई करी है उस चीज को जो है वो पूछा जाता है कि आपने वाकई में पढ़ाई करी है कि नहीं करी है। पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बिल्कुल घुस जाओ किसी टॉपिक में, राइट। मेन है कि आप इतना पढ़ो जो कि काम का है, और यही चीज मैंने आपसे पूछी है जो काम वाली चीज है। अब देखो, आप सभी जानते हैं कि जो एंशियंट पीरियड में हम लोग को देखने को मिला था जो सिविलाइजेशन जो थे, बड़े सिविलाइजेशन, चार बड़े सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब था जिस पीरियड में, उस पीरियड में ये तीनों ही सिविलाइजेशन हम लोग को देखने को मिले थे, राइट। तो आपसे पूछा गया कि, और देखिए जो सिविलाइजेशन है वो नदी के पास जो है वो बसा था, सेटलमेंट उसका नदी के पास हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस नदी के पास था, वैसे ही पूछा गया कि इन तीनों का भी बताइए कि कौन सी नदी के पास था। अब देखिए, ये टाइग्रिस जो नदी है और यूफ्रेटस ये नदी है, ये दोनों के बीच में ही मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हम लोग को देखने को मिला था, बट इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो था गाइस वो नाइल रिवर के पास हम लोग को देखने को मिला था, और चाइनीज सिविलाइजेशन होंगहोर नदी के पास हम लोग को देखने को मिला था। इस नदी को होंग ही के नाम से भी जाना जाता है, या फिर येल्लो रिवर भी इस नदी को कहा जाता है। मैंने आपसे ज्योग्राफी में इसके बारे में भी एक क्वेश्चन रखा था, आपको याद आ रहा होगा। तो ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दो को छोड़कर बाकी सब करेक्ट है, यानी कि दो को छोड़ दिया हमने तो 1-3-4, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1-3-4 है, ठीक है। आपके सामने तीन स्टेटमेंट है करेक्ट स्टेटमेंट, इन तीनों में से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। काफी बेसिक चीज मैंने आपसे पूछी है कि मोहनजोदारो की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी क्या? नहीं, आर डी बैनर्जी ने मोहनजोदारो की खुदाई करी थी, ना कि दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी जी ने हम लोग को देखने को मिला था 1921 में सबसे पहली साइट जो डिस्कवर करी थी, दैट इज कॉल्ड हरप्पा। हरप्पा डिस्कवर किया गया था 1921 के दौरान, और ये पंजाब के अंदर एक मॉन्टग्रो मैरी नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से किया गया था, राइट, 1921 में। और फिर 1922 में आर डी बैनर्जी ने
दूसरी साइट जो जिसको डिस्कवर किया था, खोजा था, दैट इज कॉल्ड मोहनजोदारो। और जॉन मार्शल जो थे गाइस, उन्होंने हरप्पा की खोज नहीं करी थी, क्योंकि मैंने आपको बताई दिया दयाराम सहनी ने 1921 में हरप्पा की खोज करी थी, डिस्कवर किया था, निकाला था, खुदाई करी थी उसकी। बट जॉन मार्शल हरप्पा से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि इन्होंने हरप्पन सिविलाइजेशन नाम दिया था, राइट। तो ये चीज आप लोग को क्लियर रहनी चाहिए। और ये जॉन मार्शल उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड हम लोग को देखने को मिले थे। लोथल की बात करेंगे, इस लोथल जो साइट है उसको क्या माउंट ऑफ डेड कहा जाता है? नहीं, लोथल जो है उसको माउंट ऑफ डेड नहीं, मोहनजोदारो को माउंट ऑफ डेड कहा जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, हालांकि ये तीनों ही चीज जो है वो पहले पूछी जा चुकी है सिविल सर्विसेज में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज नन, नन इज द करेक्ट आंसर। और ये इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी आप चाहो तो देख सकते हो, वही सेम चीज जो मैंने भी आपको बताई। नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने, अब इनमें से आपको बताना है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी सबसे नदर मोस्ट साइट कौन सी है, सदर मोस्ट साइट कौन सी है, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है, राइट। यानी कि सबसे नॉर्थ में कौन सी है, सबसे साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, ये काफी बेसिक चीज है, राइट। तो बताइए जरा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इन चारों पेयर आपको मैच करके बताना है। तो देखो, नदर मोस्ट साइट मंडा हम लोग को देखने को मिलती है, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। साउथ की अगर हम लोग बात करें तो साउथ में हम लोग को महाराष्ट्र में दैमाबाद देखने को मिलता है, ना कि आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है और वो ईस्टर्न मोस्ट साइट है, राइट। और सुक्ता जेंडोर की अगर हम लोग बात करें तो ये जो साइट है गाइस, ये एट प्रेजेंट बलूचिस्तान का जो एरिया है वो ये एरिया हम लोग को देखने को मिलता है। और ये जो है ये सुक्ता जेंडर, ये वेस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इसमें गड़बड़ कहां पर हुई, एक और चार जो है वो करेक्ट है और बाकी इन दोनों को जो है वो ऊपर नीचे कर दिया गया है। तो दो और तीन जो है वो इनकरेक्ट है। तो अपना जो करेक्ट आंसर क्या होगा, वन होगा, एक और चार जो है वो अपना करेक्ट आंसर है, राइट। क्लियर है यहां तक बातें। अब आगे की बात करें, स्टूको आर्ट की बात हो रही है। स्टूको आर्ट अभी रिसेंटली न्यूज में भी था, ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है स्टूको आर्ट का, ये चीज आ सकती है आर्ट एंड कल्चर में आपसे पूछी जा सकती है। तो स्टूको जो है गाइज, ये वॉल्स और क्या सीलिंग को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, ये एक प्रकार का प्लास्टर आर्ट है, इसको वॉल्स को और सीलिंग्स को यानी कि दीवारों को और छतों को डेकोरेट करने के लिए यूज में लाया जाता है स्टूको को। और स्टूको आर्ट जो है गाइज, ये गंधारा रीजन पर सबसे पहले देखने को मिला था, ना कि मथुरा रीजन पर। तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया वो इनकरेक्ट हो गया, राइट। और अभी एट प्रेजेंट तेलंगाना के अंदर फानीगिरी में हम लोग को एक बुद्धा की लाइफ साइज स्टूको साइट जो है वो देखने को मिली है, यानी कि वो स्टूको आर्ट जो है वो लाइफ साइज का हम लोग को देखने को मिला स्कल्पचर। और वो कहा जा रहा है कि इंडिया का सबसे बड़ा स्कल्पचर है वो स्टूको का, राइट। और ये तेलंगाना में अभी ये रिसेंटली जो है वो मिला है, तो इसलिए ये टॉपिक जो था वो न्यूज में भी था स्टूको आर्ट का, और ये इसी कारण से न्यूज में था, ठीक है। ये बुद्धा की एक हम लोग को लाइफ साइज स्टूको स्कल्पचर जो है वो देखने को मिली, और इंडिया में सबसे बड़ी बताई जा रही है वो, ठीक है, तेलंगाना में मिली है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो वन और थ्री जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, राइट। तो ये हो गया आपके 10 क्वेश्चन गाइज आज के, और अब हम लोग मिलेंगे कल। कल अच्छे से पूरे टॉपिक्स आप प्रिपेयर करके आइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट कल के लिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, टाटा।